फॉरवर्ड क्लाइंट ने तो ऑर्डर प्रोसेस यानी क्लाइंट ने तो ऑर्डर कर दिया अभी ऑर्डर बैक एंड पे रिसीव हुआ है अब बैक एंड वालों के पास क्या क्या ऑप्शन है यानी एडमिन के पास क्या क्या ऑप्शन है वो इस इस ऑर्डर के साथ क्या क्या प्रोसेसिंग कर सकते हैं सो लेट्स सी द बैक एंड प्रोसेसिंग ऑफ द ऑर्डर फ्रॉम द एडमिन साइड सो नाउ स्टूडेंट्स ये मेरी फ्रंट एंड का ऑर्डर है जो मैंने अभी प्लेस किया था और ये बैक एंड पे मैं एज अ एडमिन लॉग इन हो गया हूं और नाउ यू कैन सी ये जो मैंने ऑर्डर प्लेस किया है एस एक्स वाई के ओ जे डब्ल्यू वाई एम मेरा नाम भी आ रहा है अमाउंट भी आ रही है अब इसका स्टेटस इस देखें जो कि हमने एक्सप्लोर करना है अवेटिंग पेमेंट है अगर मैं बाकी स्टेटसेज देखूँ पेमेंट एरर है कैंसल्ड है एंड सो ऑन अब बैक एंड पे जब ऑर्डर रिसीव होगा तो पहला स्टेटस है अवेटिंग चेक पेमेंट अब ये एडमिन है थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं इसे कि ये क्या मुराद है इसकी अब इस स्टेटस का जो ये ऑर्डर था इसके साथ मैंने थोड़ा प्ले अराउंड किया था जस्ट टू शो यू स्पेशली कि ये हिस्ट्री भी मेंटेन करता है यानी ये अवेटिंग चेक पेमेंट से पहले गया था डिलीवर्ड में फिर वापस आया अवेटिंग चेक पेमेंट में मतलब इसके ऊपर दो तीन स्टेप्स हो चुके हैं तो हम ये देखते हैं कि अब ये हमारे पास इस वक्त अवेटिंग चेक पेमेंट में है तो हमारे पास अगले क्या क्या ऑप्शन अवेलेबल हैं रिगार्डिंग द स्टेटस यहाँ पे मेरे पास एड्रेस भी आ रहा है एड्रेस भी अगर बाई चांस जो कस्टमर है उसने अगर गलत एंटर कर दी है तो वो कॉन्टैक्ट करके एड्रेस को भी चेंज करवा सकता है इनवाइस एड्रेस अगर डिफरेंट है वो भी चेंज हो सकता है उसके बाद इन्वासेज व्यू हो सकती हैं अब स्टेटस कौन से हैं मेरे पास ऑर्डर के अब ये देखें अब इसके जो स्टेटस है वो थोड़े से ज़्यादा हैं एज कम्पेयर टू मेजेंटो अभी अवेटिंग बैंक वायर पेमेंट है कैश ऑन डिलीवरी की भी आ सकती है अवेटिंग चेक पेमेंट आ रही है क्योंकि मैंने वहाँ पे चेक पेमेंट यानी पेमेंट थ्रू चेक की ऑप्शन को मैंने सेलेक्ट किया था डिलीवर्ड है ऑन बॉर्डर है ये याद रखें ये वही स्टेटस होता है जो क्लाइंट भी व्यू कर सकता है रजिस्टर होने के बाद तो इसको स्टेटस इस को बड़ा आपने ध्यान से अपडेट करना है और पेमेंट एक्सेप्टेड है और पेमेंट एरर है रिफंडेड है और शिप्ड है अब यहाँ पे सिर्फ आपने एक चीज़ ख्याल रखनी है कि जो भी आप इस स्टेटस रखेंगे ना इसकी हिस्ट्री यहाँ बना शुरू हो जाएगी इसको हम लोग बोलते हैं बैकलॉग यानी हमें ये पता लगना शुरू हो जाता है कि एक ऑर्डर किन किन स्टेप्स से होके कम्प्लीट हुआ है फॉर एग्ज़ाम्पल पेमेंट रिसीव हो गई तो लेट सपोज आपने यहाँ पे कर दिया फॉर एग्ज़ाम्पल पेमेंट एक्सेप्टेड और आपने इस स्टेटस इसका अपडेट कर दिया यानी क्लाइंट के जो पैसे हैं वो आपको अब रिसीव हो गए हैं वो कह रहे हैं कि ई मेल सेंड नहीं हो सकी लेकिन पेमेंट एक्सेप्ट हो गई है फॉर एग्ज़ाम्पल अब पेमेंट एक्सेप्ट हो गई अब ये देखें इसकी हिस्ट्री बन रही है अब साथ में आप ये कहते हैं कि जी अब ये मैंने शिप कर दी है यानी अब ये सारे काम आप बैकहड पे कर रहे हैं क्योंकि जो क्लाइंट है उसने पैसे पे कर दिए हैं अब उसको ये सारे ऑर्डर के स्टेटसेज नज़र आ रहे हैं अब आप कहते हैं जी मैंने शिप कर दी है तो अपडेट स्टेटस किया आपने और उसके बाद उसका स्टेटस शिप में आ गया ये एरर सिर्फ इसे दिखा रहा है कि मैंने अभी इंटरनेट डिस्कनेक्ट किया हुआ है तो इसलिए वो ईमेल मेल सेंड नहीं कर पा रहा बाकी कोई इसके अंदर और इशू नहीं है शिप हो गया अब जैसे ही शिप हुआ तो कस्टमर को ये पता लग गया कि मेरा जो पार्सल है इट इज़ ऑन द वे अब यहाँ पर सिर्फ एक पॉइंट कि हमने जब वो डिस्कस किए थे कि ऑनलाइन शॉपिंग कार्ट के क्या क्या कॉम्पोनेंट्स होते हैं तो उसमें एक था कि कस्टमर ऑर्डर ट्रैक कर सके यानी उसको ये पता लग सके कि उसके ऑर्डर के स्टेटसेस क्या हैं वो एक्चुअली ये सारे स्टेटसेस का मैं जिक्र कर रहा था तो लेट सपोज अब जो सर्विस प्रोवाइडर है उसने गाड़ी के डिलीवर हो गया तो यहाँ पे डिलीवर आप कर देंगे तो यहाँ पे स्टेटस आप कर दें डिलीवर दिस विल शो कि जो आपका ऑर्डर है वो चेक पेमेंट से यानी अवेटिंग चेक पेमेंट से उसकी जो जर्नी है वो डिलीवर तक कंप्लीट हो गई है सो so, दिस और ये जो आपकी इन्वाइस नंबर है वो यहाँ पे जनरेट हुआ हुआ है डिलीवरी स्लिप यहाँ पे जनरेट हुई हुई है एंड सो ऑन सो दिस इज़ अ वे जिसके ज़रिए आपकी पूरी कस्टमर का ऑर्डर प्रोसेस हो सकता है प्रोडक्ट ऐड हो सकते हैं और जो ऑनलाइन शॉपिंग कार्ड आपने मैनेज करना है वो एक पूरा लाइफ साइकिल हमने यहाँ पर अभी चला के देख लिया